कुशमी में चाकूबाजों का पुलिस ने निकाला नगर जुलूस। ग्रामीण थाना पुलिस ने पहले तो चाकूबाजों के अवैध कब्जे को जमींदोज किया, अब आरोपी को गिरफ्तार कर नगर में जुलूस निकाला गया है। आपको बता दें कि कोसमी में 8 मार्च को होली के दिन चाकू से हमला कर कोसमी निवासी शुभम शिवरे को घायल कर देने वाले दो आरोपी कमलेश और भूरू का पुलिस ने कोसमी में नगर जुलूस निकाला, जहां दोनों आरोपियों को पैदल पुलिस बल के द्वारा सबसे पहले उस स्थान ले जाया गया जहां उन्होंने चाकूबाजी का घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान आरोपियों से घटना कारित करने, घटना स्थल पहुंचने, वहां से भागने जैसे अलग अलग पहलुओं के संबंध में भी पूछताछ की गई। घटना स्थल के बाद आरोपियों को पैदल कोसमी पंचायत और पीपल चौक लाया गया, जिसके बाद शाम को आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं इसी मामले में फरार आरोपी योगेश की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं इसी संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि चाकूबाजू के आरोपी दूसरे राज्य भागने के फिराक में थे, जिन्हें बंदरझिरिया से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की दो टीमें अलग अलग क्षेत्रों में फरार आरोपी की तलाश कर रही है। आठ तारीख को धुरेड़ी के दिन कोसमी गांव में चाकूबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। तो उसके बाद मामले को विवेचना में लेते हुए पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें तीन आरोपी फरार थे। उसमें से दो आरोपियों को, जिनमें मुख्य आरोपी कमलेश सूर्यवंशी है और साथ ही दूसरा भूरू नकपुरे है, इन दोनों को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सर कहाँ से गिरफ्तार किया है? बंदरझिरिया के पास से फरार होने की फिराक में थे ये लोग, तो वहाँ से पुलिस द्वारा, नवेगांव पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। सर इसमें जो एक और आरोपी है उसकी क्या जानकारी? उसके लिए लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस की दो टीमें अलग अलग क्षेत्रों में लगातार तलाश कर रही हैं और जैसे ही संबंधित आरोपी को राउंड अप किया जाएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर इन्होंने पूछताछ में बताया क्यों विवाद हो गया था? जैसा कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, सुबह एक आरोपी के पिताजी के साथ कुछ विवाद हुआ था जो घायल है, तो उसके बाद शाम को इसी विवाद के चलते जो आरोपी के द्वारा संबंधित घायल को घायल कर दिया गया। योगेश के कहने पर ही गिरफ्तार? जी जी। अच्छा शुभम की क्या स्थिति सर? डॉक्टर से चर्चा अनुसार शुभम अभी तो खतरे में है, आईसीयू में है, पर उसके रिकवरी की अब उम्मीद काफ़ी है और जल्दी स्वस्थ होने की उम्मीद है। कैसे आ रहे थे?